अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शान इलेक्ट्रिक। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टेड वीडियो लेके आए हैं हैंड टॉर्च को रिपेयर करने का तरीका। ये जो लाइट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ऑन तो हो जाती है लेकिन ये देखें अपने आप फ्यूज़ और ऑफ ऐसे, यानी किसी वक्त ये ऑफ हो जाती है और किसी वक्त ऑन हो जाती है। इसके जो जे वाले जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली ये लूज़ है इसकी, इसको शोल्ड करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसको रिपेयर करने का तरीका सीखते हैं। पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसका यहाँ एक स्क्रू लगाता है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको खोल लेंगे। को बड़ी एहतियात के साथ खोल लेना। ये एक सॉरी इसका बटन है, इसको पहले आपने पिन निकाल लेनी है। ये खुल गया, ये देखें आप, ये लूजिंग हो रही है, बहुत सारी लूजिंग है, आपको कैमरे में नज़र आ रहा होगा। इसको हमने बाहर निकाल लेना है। ये हमारा पेस्ट है और ये शोल्डर है, हमने इसको शोल्ड कर लेना है अच्छे से। ये थोड़ा सा इस पर डस्ट वगैरह आ जाते हैं, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। पेस्ट लगाया और ये पकड़ लिया। अब हम इसको अच्छी तरह शोल्ड कर देंगे। तो आपने देखा होगा ये मैंने ऑफ़ कर दिया, अब इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ये अच्छी तरह अब ये ऑन ऑफ नहीं हो रहा, यानी कि इसकी जो वाइब्रेशन थी वो ख़त्म हो गया। अब ये बिल्कुल फिट और शोल्डर के साथ फिट हो चुका है। पहले ये लूज़ हो रहा था, इधर उधर जा रहा था और कभी ऑन हो रहा था कभी ऑफ, अब ये नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप टॉर्च की ये जो वाली होते हैं, ये जो टू पिन इसकी जो टांगे बोलते हैं, इसको कैसे डालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारी वीडियो एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अब इसको इसी तरह से फिट कर लेना है, अच्छी तरह लॉक वगैरह लगे, कोई वायर बीच में ना आए। ये इसका बटन लगा लेना है और ये वाला
इसका आगे वाला फ्रंट वाला कवर लगा देना है। और ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और ये एक चीज़ हम भूल गए, ये वाला, इसकी वजह से शाइनिंग ज़्यादा हो जाती है। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप टाइट कर दें। और हैंड टॉर्च रिपेयर करते वक्त एक और चीज़ का खास ख्याल रखें, जब आप किसी भी चीज़ को रिपेयर करके इसका कवर बंद करें, एक तो ये ख्याल रखें कोई वायर दरमियान में ना आ जाए, और दूसरा ख्याल ये रखें कि इसकी ये वायर, ये पीछे वाले, ये जो दो टांगे हैं ना, ये आगे पीछे फ़र्क करें। ये बाद अगर ये फंस जाती हैं, इसकी फिटिंग अच्छी तरह नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।